हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम आर पावर आर कॉम के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज आपको फिर से देखिए एक शानदार तेज़ी लौटती हुई देखने को मिली है। दोनों स्टॉक्स के अंदर देखिए आज आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, और दोस्तों कोर्ट की तरफ से अब क्या बयान निकल के आया है आर कॉम के ऊपर, तो सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चैनल से आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, लगातार आपको आर पावर आर कॉम के अंदर अभी एक ठीक ठाक कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही थी। ठीक ठाक क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक में बढ़िया तेजी के साथ एक आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों जो खबर में काउंटर चल रहा था वो आर कॉम था, बिकॉज लगातार दोस्तों यहाँ पे आपको आर कॉम के ऊपर खराब खराब खबरें निकल के आ रही थी। लेकिन दोस्तों आज जो खबर निकल के आई है, डेफिनेटली दोस्तों उससे यहाँ पे थोड़ी बहुत राहत आपको मिलती हुई देखने को मिल सकती है। एंड आर कॉम के अंदर देखिए यहाँ से तभी आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर कॉम के स्टॉक के बारे में कैसा कर रहा है ये। तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर आपको आज 3 रुपये 20 पैसे पे देखिए आज बंद होता हुआ नजर आया। 15 पैसे शेयर बढ़ा है। 4.92% की आपको आर कॉम के अंदर देखिए आज यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, जो अपर सर्किट ऑफ द डे आपको देखने को मिलता है। एंड स्टॉक के अंदर देखेंगे तो इस हफ्ता काफ़ी बुरा रहा, क्योंकि करीबन 13% 14% के आसपास स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। बट आज अपर सर्किट के कारण देखिए सिर्फ वो 9% 10% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन के अंदर देखिए 10% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, और पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे अब आपको करीबन 3% के आसपास डाउन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली दोस्तों जो जितनी तेज़ी आपको देखने को मिली थी वो सारी तेज़ी स्टॉक ने सोख कर ली, और यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही थी लगातार। पिछले 6 महीने का आप देखेंगे तो यहाँ पे 56% के रिटर्न डेफिनेटली कमा के दिए। लेकिन आपको जो यहाँ पे हाई लगता हुआ देखने को मिला, यानी जो 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिला है, जब से 5 रुपये का लेवल दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पे टच किया है, तब से आप देखेंगे लगातार गिरावट आपको आर कॉम के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वापस से एक बढ़िया खबर निकल के आई है। अब वो खबर क्या है सबसे पहले आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए खबर क्या निकल के आई है, टर्मिनेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस टू किल आर कॉम रिजोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे खबर क्या है सबसे पहले आपको ये इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो टेलीकॉम कंपनीज का देखिए लाइसेंस रहता हुआ देखने को मिलता है, उसमें आर कॉम का जो टेलीकॉम का लाइसेंस है दोस्तों वो यहाँ पे आपको अभी एक्सपायर होता हुआ नज़र आने वाला है। 27 जुलाई दोस्तों ये डेट है जिस दिन आपको यहाँ पे आर कॉम का जो लाइसेंस है दोस्तों वो आपको एक्सपायर होता हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आर कॉम के लाइसेंस को वापस से रीन्यू नहीं किया गया, तो आप समझ के चलिए जो कंपनी है वो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आपको बंद होने के कगार पे आती हुई देखने को मिल जाएगी। बहुत ही बड़ी खबर है सारे निवेशकों के लिए, प्लस सारे इन्वेस्टर्स के लिए, प्लस जिन लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अभी हाल में पोजीशंस बनाई हैं। अब खबर क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉयर यहाँ पे आपको देखने को मिला, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कोर्ट को साफ साफ कहा है, और ये रिजोल्यूशन उन्होंने रिजोल्यूशन पे ये कहा है कि अगर आप लाइसेंस रीन्यू नहीं करते हैं तो इंटायर कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विल फॉल अपार्ट। तो देखिए एक यहाँ पे CIRP जिसको हम कहते हैं वो दोस्तों एक रिजोल्यूशन होता है। इसके तहत क्या होता है कि आपको कंपनीज का लाइसेंस आपको रद्द नहीं किया जाता है, कॉर्पोरेट को बचाने की कोशिश की जाती है। और अगर इस बार आर कॉम का लाइसेंस को अगर रीन्यू नहीं किया गया तो जो ये CIRP होता है, जो रिजोल्यूशन पहले पास हुआ है, उसमें दोस्तों ये साफ साफ इसका उल्लंघन जिसको हम कहते हैं वो करते हुए देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको आसानी से देखिए सीधी भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए एक कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट है, आपको उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आर कॉम का जो लाइसेंस है वो 27 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। याद रखिए डेट 27 जुलाई को आपको आर कॉम का टेलीकॉम का लाइसेंस एक्सपायर होता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर टेलीकॉम का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी यहाँ पे आपको कुछ भी काम करती हुई देखने को नहीं मिल पाएगी, बिकॉज कंपनी तो आप काम कर ही नहीं सकती क्योंकि कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं है। बट अगर यहाँ पे जो कोर्ट है वो इनका लाइसेंस फिर रीन्यू नहीं करती है, तो फिर जो आर कॉम के लेंडर्स हैं, जिन लोगों से देखिए यहाँ पे उधार ले रखा है, वो रिकवरी दोस्तों अब वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर कंपनी नहीं चलेगी तो आप रिकवरी कैसे करेंगे। और आर कॉम के पास सबसे मोस्ट वैल्यूड एसेट है उसका स्पेक्ट्रम। आर कॉम के पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यूड एसेट है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत है, वो है दोस्तों इनका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी जो देखिए यहाँ पे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी वो, उसमें से एक स्पेक्ट्रम इनके पास भी है। और इस स्पेक्ट्रम की दोस्तों जो साफ साफ खबर है कि अगर ये नहीं होता इनका लाइसेंस रीन्यू, तो आप समझ के चलिए बिजनेस यहाँ पे बंद करने की नौबत आ जाएगी, कंपनी का खेल पूरा ख़त्म हो जाएगा। एंड वो खबर डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी,
शॉकिंग थी, स्पेशली आर कॉम के निवेशकों के लिए, बिकॉज जिन लोगों ने लंबे समय से निवेश कर रखा है या फिर हाल ही में इतनी तेज़ी में पोजीशंस बनाई है उनके लिए ये खबर डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी मायूस करने वाली थी। लेकिन जो इनके एडवोकेट है उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर ऐसा होता है तो CIRP का उल्लंघन होगा और इसके कारण कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे बैंकक्रप्ट टेलीको अर्जेंट प्ली कम्स आफ्टर DOT रिजेक्टेड आर कॉम रिक्वेस्ट टू रीन्यू इट्स टेलीकॉम लाइसेंस फॉर अनदर 20 ईयर्स अनलेस द टेलीकॉम पेड अपिट ₹26,000 करोड़ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर जो AGR का ड्यू है वो है करीबन 26,000 करोड़। 26,000 करोड़ का देखिए इनके पास ड्यू है जो इनको पे करना है। और DOT ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर आपको अपना जो टेलीकॉम का लाइसेंस है वो अगले 20 साल के लिए आपको रीन्यू करवाना है तो आपको 26,000 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। तो इसी बीच में यहाँ पे जो कंपनी है वो आपको एक प्ली लगाती है जरा ही कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं और हम धीरे धीरे दोस्तों ये प्रोसीडिंग्स होगी। उन्होंने रिजोल्यूशन भी पास किया था और कंपनी का जो स्पेक्ट्रम है दोस्तों वो यहाँ पे करीबन 12,760 करोड़ का है, जिसमें आपको 12 साल करीबन 5 करोड़ रुपए अपफ्रंट कैश पेमेंट दिया गया था। तो ये दोस्तों साफ साफ एक बड़ी खबर निकल के आई है। लेकिन अब आर कॉम की तरफ से साफ साफ ये आ चुका है कि हम कोशिश करेंगे देने की, और DOT को उन्होंने अभी कहा है कि अभी इनके जो स्पेक्ट्रम है या फिर जो इनका बिजनेस है उस पर आप अभी रोक नहीं लगाएंगे। अभी अगर कंपनी थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहती है तो आप टाइम दीजिए। और इसके कारण दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक्स आज रिकवर किए और यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिली। तो डेफिनेटली दोस्तों ये अभी एक काफ़ी रिलीफ वाली खबर निकल के आई है सारी इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली अभी जो इनके एडवोकेट है उन्होंने जो तर्क पेश किए हैं देखिए कोर्ट के अंदर, उसमें कहा गया है, उसमें माना गया है साफ साफ, और एक थोड़ी बहुत समय सीमा आपको आर कॉम को देती हुई देखने को मिल रही है। तो ये खबर के कारण दोस्तों आज शेयर के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। बट दोस्तों आगे का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अगर ये आपको हो जाता है और अगर इनका टेलीकॉम का लाइसेंस वापस से रीन्यू नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी आपको याद रखना है कि देखिए जिस तरह से 5G बिजनेस आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी चल रही है कि देखिए मुकेश अंबानी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर वो हेल्प करते तो डेफिनेटली दोस्तों ये कंपनी अपने ड्यूज़ है उसको थोड़ा बहुत रीपे कर पाएगी, और इसके कारण दोस्तों यहाँ पे स्टॉक आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Throws cleared the sales of towers under its Reliance Infratel to Reliance Jio unit for nearly 5,000 crore, which is throughout has not been implemented yet. The spectrum sale under resolution plan is separately facing legal scrutiny with DOT challenging that without the payment of the statutory dues. तो देखिए साफ साफ ये कहा जा रहा है कि Reliance Jio मदद कर सकती है देखिए यहाँ पे अनिल अंबानी को, एंड वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रीपेमेंट करती हुई नजर आएगी। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक की प्राइस पे कैसा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए आर कॉम में इनके अंदर कह सकते हैं कि गिरावट जितनी आपको देखने को मिलनी चाहिए थी अब देखने को मिल चुकी है। पिछले एक महीने में आप देखिए शेयर आपको यहाँ पे करीबन 1% के आसपास ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से आप देखिए जो तेज़ी हुई थी वो बिल्कुल गिरावट में तब्दील होती हुई देखने को मिल चुकी है। लगातार लोअर सर्किट लगते गए, ₹4 का जो सपोर्ट था वो टूटा, फिर आप देखिए यहाँ पे ₹3 के बिलो ट्रेड करने लग गया था, लेकिन आज फिर से एक तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिए जिनको वापस से खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं वो खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल्स पे, बिकॉज आप मान के चलिए कि ये अगर ड्यू पे कर देती है तो फिर आपको ये स्टॉक ₹5 के टूवर्ड्स जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों को खरीदारी करनी है वो फिर यहाँ पे खरीदारी करके चले, करंट लेवल के आसपास बाय करना है, टारगेट रखने दोस्तों यहाँ से आप मान के चलिए 1 से 2 महीने के ₹5, फिर ये दोस्तों आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके चलना है वो यहाँ पे करके चलना है करीबन ₹2.75 का। अब बात करते हैं आर पावर के ऊपर। तो देखिए आर पावर के अंदर आज सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, पूरा ग्रुप देखिए आज आपको यहाँ पे बढ़िया करता हुआ नजर आया था जब से देखिए ये खबर निकल के आई थी। एंड आर पावर के अंदर जो स्पेशल हमको आज देखने को मिला कि स्टॉक फिर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, सेम टू सेम देखेंगे तो यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट आपको डेफिनेटली देखने को नहीं मिली, लेकिन स्टॉक आपको डेफिनेटली कुछ ज़्यादा हरकत करता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा था। पिछले 5 दिन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेयर आपको अभी 5 से 6% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन आर पावर के अंदर मुझे लगता है कि देखिए ₹15.25 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास अगर स्टॉक वापस से जाता है तो कोशिश कर सकता है तेज़ी की। और ₹12.5 का जो लेवल यहाँ पे फॉर्म हुआ है मुझे लगता है कि उसको ब्रेक अगर स्टॉक नहीं करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे और स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जिन लोगों को देखिए यहाँ पे खरीदारी करना है वो क्या करें, देखिए करंट लेवल के आसपास शेयर मिल रहा है तो डेफिनेटली एक बार ले सकते हैं, और आज जिस तरह से देखिए हमको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है वो डेफिनेटली दोस्तों होप्स वापस से आपको बढ़ाता हुआ देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा जिस तरह से 5G वापस से आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है, यानी 5G की जो भी प्रोसेसिंग होगी उसमें आर कॉम या फिर ADAG ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहता हुआ देखने को मिल सकता है टू Reliance Jio, और अगर ऐसा रहता है तो आप मान के चलिए इन सब स्टॉक्स के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा।
तो जिन लोगों को देखिए खरीदारी करनी है वो करंट लेवल के आसपास बाय करके चले। टारगेट रखिए दोस्तों यहाँ पे आप करीबन 16 रुपये का पूरे एक महीने का। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे आपको वो करके चलना है करीबन 13 रुपये का, ठीक है। तो 13 रुपये का स्टॉप लॉस, 16 रुपये तक के लक्ष्य खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।